ये एक ऐसा मसला है जिसके अंदर हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपका मैदा ख़राब होने लग जाता है, आपकी आंतों में मसला आने लग जाता है, आपका जिगर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मरहम का यूट्यूब चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ोहा सोहेल, आई एम वर्किंग एज अ सीनियर लेक्चरर एट राशिदाबाद मेडिकल कॉलेज एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन एट मरहम। आज मैं आपके साथ बात करूंगी टाइफाइड के बारे में। टाइफाइड के कॉजेज़ के बारे में अगर बात की जाए तो इसके सबसे बड़ा जो कॉज है वो है कंटामिनेटेड वाटर, गंदे पानी का इस्तेमाल। अगर आप गंदा पानी कंज्यूम कर रहे हैं, अगर आप गंदे पानी में खाना बना रहे हैं, गंदे पानी से सब्ज़ियाँ वॉश करें, किसी भी चीज़ को आप मीट को वॉश करें, सब्ज़ियाँ वॉश करें, फल वॉश करें और उसी पानी में वॉश करदा चीज़ों को आप कंज्यूम करें, तो ये चीज़ें आपको टाइफाइड की बीमारी की तरफ लेकर जाएंगी। इसके सिम्टम्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहले आपको बुखार का मसला नज़र आएगा। बुखार के साथ साथ आपको थकावट नज़र आएगी, कमज़ोरी आपको रहेगी, इसके साथ साथ आपको भूख की शिद्दत में कमी नज़र आएगी, आपकी लॉस ऑफ एपेटाइट का सिम्टम बढ़ता हुआ नज़र आएगा, डायरिया का मसला नज़र आएगा, जिसम में पानी खारिज होता हुआ नज़र आएगा, वाटर डिप्लीशन आपको बॉडी में नज़र आएगी। ये सारे वो अलामत हैं जिनकी वजह से आप ये समझ जाएँ कि आप टाइफॉइड के अंदर लाहिक हो चुके हैं। अगर मैं इसके इलाज के बारे में बात करूँ तो टाइफॉइड के इलाज के लिए हमारे पास हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैलोरी डाइट बहुत ज़्यादा अहम है। हाई प्रोटीन डाइट में कोशिश ये करें कि अंडों का इस्तेमाल लाजमी करें, अंडों के साथ साथ दही का इस्तेमाल लाजमी करें, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसके अंदर हमारी बॉडी के बहुत ज़्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपका मैदा ख़राब होने लग जाता है, आपकी आंतों में मसला आने लग जाता है, आपका जिगर सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा होता। सो ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हर ऑर्गन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो। दही हमारे मैदे की सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे प्रोबायोटिक्स मौजूद हैं जो आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करके रखते हैं। अगर आप दूध इस्तेमाल करेंगे तो बहुत से लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, दूध दोबारा उनकी आंतों को ख़राब करेगा और दोबारा से उनको डायरिया की तरफ ले जाएगा। टाइफाइड का मरीज़ ऑलरेडी डायरिया फेस कर रहा होता है तो दूध पीने के बाद उसको अगेन डायरिया होगा, तो कोशिश करें कि दूध का इस्तेमाल टाइफाइड के मरीज ना करें, दही का इस्तेमाल करें। दही के इस्तेमाल के साथ साथ सेब की सॉस लाजमी बनाकर इस्तेमाल करें। अगर आप कच्चा सेब खाते हैं तो वो आपके टाइफाइड को और बढ़ाएगा, जिससे आपका डायरिया का मसला वर्सन होगा। अगर आप सेब की सॉस बनाकर इस्तेमाल करते हैं, आपने सिंपल सेब को पील करना है और उसको आपने बहुत कम पानी के अंदर कुक करना है, जिसकी वजह से एक सॉस उसकी बन जाएगी, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके साथ साथ यखनी का इस्तेमाल लाजमी करें, चिकन की हो सकती है, मटन की हो सकती है, किसी की भी यखनी आप लाजमी इस्तेमाल करें। और रोटी का इस्तेमाल टाइफाइड के अंदर ना करें, कोशिश करें कि खिचड़ी का इस्तेमाल करें, जिसमें आप किसी भी किस्म की दाल ऐड कर सकते हैं। कोशिश करें कि मूंग की दाल ऐड करें, इसके अंदर हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स पाई जाती हैं, जो कि इन पेशेंट्स की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली बॉइल्ड वाटर, उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें, प्योरीफाइड पानी इस्तेमाल करें, कंटामिनेटेड पानी बिल्कुल इस्तेमाल ना करें, क्योंकि कंटामिनेटेड पानी ही टाइफाइड की बेसिक जड़ है। तो अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो करते हैं और अगर आप टाइफाइड के मरीज़ हैं तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो करके टाइफाइड जैसी बीमारी से आसानी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी क्वेरी हमें दे सकते हैं, और अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करवाना चाहते हैं तो आप मरहम के प्लेटफॉर्म पर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।